एनसीआर में तेज बारिश हुई है, जहां लोगों को एक तरफ गर्मी से निजात मिली तो वहीं मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा कर रख दी। जलभराव के चलते कई जगह पर गाड़ियां फंसी नजर आई। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों को गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो जलभराव की वजह से तैयारियों की भी पोल खुलकर सामने आ गई है। जो दावे किए जाते हैं मानसून से पहले तैयारियों के जो दावे हैं वो हवा हवाई साबित हुए हैं। तो देख सकते हैं आप तस्वीरों में झमाझम बारिश हुई है, लेकिन कई जगहों पर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। कहीं पर गर्मी से राहत मिली है लोगों को, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसी जगह जहां पर वाटर लॉगिंग की समस्या सामने आई और इसकी वजह से कई वाहन बारिश के पानी में फंसे नजर आए। तो दिल्ली और नोएडा में भारी बारिश हुई है। दिल्ली के कई पॉश इलाकों में पानी जमा हो गया है। हालात ऐसे ही दिल्ली से सटे नोएडा में भी है। सेक्टर 62 में सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा नजर आया और लोगों को भारी मुश्किल का सामना यहां पर करना पड़ा। तो देख सकते हैं आप नोएडा और दिल्ली दोनों जगहों पर यही हाल नजर आया। कुछ ही घंटे की बारिश से प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। दो तस्वीरें आपके सामने, दोनों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वाहन पानी में फंसे हुए नजर आए। महाराजगंज में बारिश के बाद एक मकान भरभराकर गिर गया। गोरखपुर सोनौली हाईवे के किनारे यह हादसा हुआ। सड़क चौड़ा करने के दौरान मकान का आधा हिस्सा तोड़ा गया था और बारिश के बाद ये मकान अपने आप भरभराकर यहां पर गिर गया। गरिमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। मकान गिरने का वीडियो भी सामने आ गया है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। आधा मकान पहले ही तोड़ा गया था, लेकिन अब मकान बारिश की वजह से भरभराकर गिर गया। आशीष कुमार ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पूरी खबर विस्तार से बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, इसी निर्माण में सड़क के किनारे एक मकान उसकी जद में आया था और उस मकान का आधा हिस्सा तोड़ दिया गया था और बाकी आधा मकान खड़ा था। जैसे ही कल बारिश हुई है, बारिश का जो पानी था वो जो तोड़ा गया था मकान उसके नीचे लगा हुआ था और इसकी वजह से कल दोपहर बाद भरभरा करके अचानक दो मंजिल का मकान था वो नीचे गिर गया। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि मकान गिरने के बाद बिल्कुल धुएं का गुबार हो गया है और पहली ही बारिश में इस तरह का मकान गिरा है। हालांकि इस घटना में किसी की कोई क्षति नहीं हुई है और पहले ही जैसे ही डगमगा रहा था वो मकान, वैसे ही उसके जो मालिक थे, जो अगल बगल के लोग थे, वो सतर्क हो गए थे और पूरा मकान गिर गया। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका आशीष। तो दिल्ली में हुई मूसलाधार बारिश ने दिल्ली के ड्रेनेज सिस्टम और सभी तैयारियों की पोल खोल कर रख दी है। दिल्ली के मिंटो रोड अंडरपास में जलभराव हुआ। पानी इतना ज्यादा जमा हो गया कि एक कंटेनर पूरा डूब गया। जलभराव होने के चलते मिंटो ब्रिज को आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया है। जलभराव के चलते जगह जगह पर रोड जाम हो गया है। ये देख सकते हैं तस्वीरें आप, ट्रैफिक जाम की भी स्थिति बन गई। कहीं कार डूब गई तो कहीं कंटेनर जलमग्न हो गया। तो दिल्ली को एक ही बारिश ने तालाब बनाकर रख दिया। कुछ ही घंटे की ये बारिश जिससे प्रशासन के दावों की पोल खुलकर सामने आ गई है। भारी बारिश की वजह से दिल्ली का लटियन जोन भी जलमग्न हो गया। इस इलाके में सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया। आपको राजेंद्र प्रसाद रोड के हालात दिखाते हैं। ये देखिए आप, यहां पर भी कुछ ऐसी ही स्थिति नजर आई। बारिश की वजह से रोड जलमग्न नजर आया। लटियन जोन में सड़कों पर कई फीट पानी दिखाई दिया। दिल्ली में चंद घंटे की बारिश और जलमग्न हो चुकी है पूरी दिल्ली। तस्वीरें आपको लुटियन दिल्ली की दिखा रहे हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड, और यहां जहां तक आपकी नजर जा रही है ये पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है। जहां तक आपको नजर आ रहा है ये सड़क नहीं है बल्कि पूरा पानी यहां इस सड़क पे बना भरा हुआ है।
आप देखें जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस मुशक्कत से मुश्किल से यहां से आ पा रही है, क्योंकि पूरे रास्ते में पानी भरा हुआ है। पीछे तक जहां तक आपको जो लाइट जलाए हुए वाहन नजर आ रहे हैं, वहां से अगर आप देखना शुरू करेंगे तो यहां तक, जहां तक ये पूरी रोड खत्म हो रही है, जहां से संसद साफ दिखता है, वहां तक ये पूरी सड़क दरिया में तब्दील हो चुकी है, पूरा पानी भर चुका है। ये पूरा इलाका जो है, देखें आप साइड में अगर देखेंगे तो फुटपाथ की जो पूरी जगह होती है उसकी लाइन से भी ऊपर पानी गया हुआ है, यानी कि पानी की हाइट यहाँ पर इस कदर बनी हुई है कि ये पूरी रोड जो आपको नजर आ रही है, ऐसा लगता है कि किसी तालाब में, किसी दरिया के पास हम खड़े हैं। और ये दिल्ली में केवल चंद घंटों की बारिश के बाद हुआ है। कैमरा पर्सन जयपाल रावत के साथ प्रियंका कांडपाल, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। भारी बारिश की वजह से नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर का इलाका भी डूब गया है, वो तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारी मौजूदगी है नेशनल मीडिया सेंटर के सामने, रायसीना रोड है और यहाँ आप देखें जहाँ मैं खड़ी हूँ मेरे घुटने से थोड़ा नीचे बस पानी रह गया है और ये पानी जो है तीनों रोड से भरकर यहाँ पर इस तरीके का बना हुआ है। आप देख रहे हैं जो लोग फुटपाथ पर भी चल रहे हैं उनके पास, उनके पैरों तक भी पानी पहुँचा हुआ है और मैं सड़क पर हूँ और यहाँ आप देखें कि जो गाड़ियाँ आ रही हैं उससे अंदाज़ा लगेगा कि कितना पानी यहाँ पर भरा हुआ है। आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल सड़क पर चल रही हूँ और ऐसा लग रहा होगा कि मैं कहीं पानी की किसी जगह पर हूँ और यहाँ आप देखें कि मेरे घुटने से तकरीबन टच होता हुआ पानी है इस पूरी सड़क का, जहाँ लोग जो हैं जो फुटपाथ पर चल रहे हैं वो भी ऐसे चल रहे हैं जहाँ पर पूरा पानी भर गया है। और ये आपको सीधा नेशनल मीडिया सेंटर के सामने की तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ NSUI का दफ्तर है, सामने जंतर मंतर रोड है, वहाँ पर घुटने तक ये पानी भर गया है और ये स्थिति जो है केवल कुछ घंटों की बारिश के बाद देखने को मिल रही है। सुबह से दिल्ली में बारिश हो रही है और उसके बाद ये हालात आप देख रहे हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं वो किस तरीके से पानी का जो फ्लो है, क्योंकि टायर ऐसे टाइम पे गाड़ियां भी खराब हो जाती हैं। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायसीना रोड की, जहां पर घुटनों तक पानी फिलहाल भरा हुआ नजर आ रहा है। जो लोग काम धंधे में जा रहे हैं वो किस तरीके से भीग भाग कर जा रहे हैं। भैया काम के लिए जा रहे हैं? हाँ जी, काम के लिए जा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, तो कहां से आ रहे हैं? मैं उत्तम नगर से। और ऐसा ही हाल दिख रहा है कहीं और भी है? जी, हमारे वहाँ भी पानी भरा हुआ, हर जगह पानी भरा हुआ जी। तो यहाँ पर आप देखें कि जो फुटपाथ से भी आ रहे हैं ये भी देखें आप कहाँ तक इनके पाँव में पानी भरा हुआ। और अब मैं फुटपाथ पर आ गई हूँ तो ये पूरा इलाका जहाँ हम आपको बता रहे हैं, कुछ बाइकें देखें, बाइक वहाँ पर खराब हो गई जिसको खींचने की कोशिश की जा रही है। और यही बारिश की तस्वीर है दिल्ली में, कुछ घंटे की बारिश और उसके बाद ये हालात बनने लग गए हैं। भारी बारिश से नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर का इलाका भी डूब गया है, वो भी आपको दिखाते हैं। जलभराव होने पर दिल्ली में बीजेपी के पार्षद रविंद्र नेगी ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया है। तो देख सकते हैं आप बीजेपी पार्षद का ये विरोध प्रदर्शन, जहां पर नाव चलाते नजर आए बारिश के पानी में। दे सकते हैं, मैं PWD का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये PWD का नाला सारा ओवरफ्लो है। मानसून रहते हुए इन्होंने दिल्ली के नालों की सफाई नहीं कराई, जिसकी वजह से जलभराव की समस्या आ चुकी है। हम सदन में बार बार ये आवाज़ उठा रहे थे, हमने सदन में कहा निगम के सदन में कि नालों की सफाई कराइए, PWD के नालों की सफाई कराइए। अब दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार, डबल इंजन की इनकी सरकार, इनको शर्म नहीं आती। दिल्ली के लोग बेहाल हो गए। अब सुबह सुबह सब ऑफिस को जा रहे हैं पर जलभराव इतना है, किसी की गाड़ी खराब हो रही है, किसी की बस खराब हो रही है। और आज देख सकते हैं मैं PWD का नाला दिल्ली सरकार का सामने, ये PWD का नाला सारा ओवरफ्लो है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर हादसा हो गया, जहां पर टर्मिनल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। हादसे में एक खंभा टूट कर नीचे गिर गया और वो गाड़ी पर जा गिरा। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। साथ ही दिल्ली दमकल विभाग को एयरपोर्ट पर एक छत गिरने की सूचना मिलने के बाद दमकल की टीम मौके पर पहुंची ताकि अगर कोई फंसा हो तो जल्द से जल्द उसका रेस्क्यू हो सके। मौके पर दमकल और पुलिस की टीम, 6 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर हादसे का मामला सामने आया। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट, निजी रूप से हादसे की निगरानी में कर रहा हूं। ये राममोहन नायडू ने कहा है। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, राममोहन नायडू ने कहा है। तो देख सकते हैं सोशल मीडिया साइट एक्स पर ट्वीट किया गया है।
ये पोस्ट किया गया है। आईजीआई एयरपोर्ट पर हादसे को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री की तरफ से पोस्ट कर जानकारी दी गई है कि हादसे की मैं खुद निगरानी कर रहा हूं। तो दिल्ली एनसीआर में पहली बारिश से ही हाल बेहाल हो गया है, क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं आपको सुनवाते हैं। रोहित कहाँ से आ रहे थे आप? मंगलम से होते हुए हमें मयूर विहार जाना था। अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मुझे लगा नहीं कि झील होगी, अंडरपास भी नहीं है। ये भैया आ रहे थे आगे आगे, टेम्पो वाले इनके पीछे पीछे, मैंने भी ली एक बस हो गई थी वो निकलेगी, हमारी बंद होगी। अब मुझे लग रहा है पानी यहाँ से सप्लाई मतलब जा नहीं दिया, बारिश बढ़ रही है तो पानी बढ़ता जा रहा है, पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कितनी देर से खड़े हैं आप यहाँ पे? मुझे हो गया करीब आधा घंटा, आधा पौन घंटा, आधा घंटे से एक घंटा हो गया होगा। हाँ, आपने सूचना दी कि? हाँ, मैंने अपने अधिकारी को सूचना दे दी है। वो भी कहाँ की गाड़ी है ये? शास्त्री पार्क की। शास्त्री पार्क की है, वो अभी मिस्त्री भेज रहे हैं, वो देखेंगे। तो मेट्रो में चलती है गाड़ी? जी। नाम बता दीजिए। उत्तम सोनकर। गाड़ी किसकी है, कैसे हुआ एक्सीडेंट? सर उस दौरान बारिश हो रही थी, तेज स्पीड में बारिश हो रही थी और मेरे आगे ट्रक था जो कि स्लो स्लो चल रहा था, मैं भी ऐसे ही आ रहा था, अचानक पीछे ट्रक वाला आया और टक्कर मारा पीछे से, तो आगे मेरी गाड़ी चली गई। सर कोई इंजर्ड तो नहीं हुआ? इंजर्ड नहीं हुआ सर। इंजर्ड टारगेट ड्राइवर है? हाँ जी, हाँ जी। पुलिस आई थी? जी नहीं 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 आई पुलिस? नहीं सर। पुलिस को कॉल किया आपने? अभी सर इन कॉल नहीं किया, बारिश की वजह से नहीं कॉल किया सर। अच्छा जी। तो कोई सवारी भी थी इसके अंदर? नहीं नहीं, कोई सवारी नहीं थी सर। अकेले थे आप? हाँ जी सर। गाड़ी के अंदर? हाँ जी, हाँ जी। तो जाम की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है और जाम के बाद और बारिश के पानी को झेलने के बाद किस तरह के रिएक्शन लोगों के थे वो आपने अभी सुना। नेपाल में जहां बारिश ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है, वहीं दिल्ली एनसीआर में लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिहार और यूपी से बारिश की आई दो तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। देखिए नेपाल से उत्तर प्रदेश तक मॉनसून की दस्तक से क्या हालात हैं। नेपाल में तबाही का मॉनसून, रील का चक्कर, कड़कती बिजली से टक्कर। कानपुर में सीवर के ढक्कन का नागिन डांस, कहीं गिरे मकान, कहीं आफत में जान। पड़ोसी देश नेपाल में मॉनसून ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारी बारिश के बीच नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात ये हैं कि वहां के पहाड़ी इलाकों के रास्तों में भी बाढ़ का पानी बहता दिखाई दिया, जिसकी वजह से संकरे पहाड़ी रास्तों को लोग जान जोखिम में डालकर पार करने को मजबूर दिखे। तो वही लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। आमतौर पर नेपाल में मॉनसून 13 जून को आता है और 23 सितंबर तक रहता है, यानी अभी तो नेपाल में बारिश अपने शुरुआती दौर में है और अगले 3 महीने तक वहां लगातार बारिश होना बाकी है। लेकिन नेपाल में अभी से हालात इतने बदतर दिखाई दे रहे हैं कि हर दिन बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से नेपाल में लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। बिहार से एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी। दरअसल मॉनसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंच गई। जैसे ही उस लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां धमाकेदार आवाज के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो लड़की डर कर वहां से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई।
बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं आम है, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बिजली गिरने की घटना के वक्त छत पर वीडियो बना रही वो लड़की भी बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस जगह पर वो वीडियो बना रही थी आसमानी बिजली उससे चंद कदम की दूरी पर ही गिरती दिखाई दी, यानी उस लड़की को मौत मानो छू कर निकल गई। ऐसे ही बिजली गिरने से सीतामढ़ी में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। बात दिल्ली NCR और UP की करें तो बारिश ने लोगों को गर्मी से निजात दिलाई है। दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, शाहजहांपुर, अमरोहा, बुलंदशहर, गाजियाबाद, संभल, कानपुर में बारिश की वजह से लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। लेकिन अमरोहा में मॉनसून की पहली बारिश से एक मकान भरभराकर गिर पड़ा, जिसमें 3 बच्चियां घायल हो गई। मौके पर पहुंचे लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद मलबे से बच्चियों को बाहर निकाला। कानपुर में बारिश के बाद अजब नजारा देखने को मिला है। यहाँ पर सीवर का एक ढक्कन डांस करता हुआ दिखाई दिया। इसे देखकर आसपास से गुजर रहे लोग भी सहम गए। एक स्कूटी सवार काफी दूर होने के बाद भी और दूर जाने की कोशिश करता दिख रहा है। मामला कचहरी के पास का बताया जा रहा है। दरअसल कानपुर में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, कई जगहों पर जलजमाव जैसी स्थिति भी है। इसी बीच सड़क पर मेन होल के ढक्कन का डांस कौतूहल बन गया। जल निगम का मानना है कि गहरी सीवर लाइन में भरी गैस के प्रेशर की वजह से ऐसा हुआ होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।